पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ पंजाब में किए गए खिलवाड़ से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा को जमकर फटकार लगाई और पूरे मामले के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार भाजपा के साथ गठबंधन में पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन ने पीएम मोदी के दिल्ली लौट जाने के बाद ट्वीट किया कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, खासकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी। जब आप देश के प्रधानमंत्री को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं और वह भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको पद छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वह स्वीकार्य नहीं है, यह पंजाब के खिलाफ है। फिरोजपुर में भाजपा की राजनीतिक रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री को एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में सड़क मार्ग से जाते समय सुरक्षा में गंभीर चूक होने की वजह से एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। दरअसल कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, इसके चलते उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पंजाब सरकार से इस चूक के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस में पलटवार भी हुए हैं। पंजाब कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया कि आज जो हुआ वह स्वीकार्य नहीं है, यह पंजाबियत के खिलाफ है। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि पीएम के आज के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं आई, सुरक्षा भंग के आरोप निराधार हैं। सच तो यह है कि बीजेपी की रैली फ्लॉप शो रही। जब पीएम को यह पता चला तो उन्होंने लौटने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।